हेलो जी, नमस्कार दोस्तों, मैं देवसानी आप सभी का अपने बिंदास सीखे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप किसी भी फ़ोटो को पीडीएफ फाइल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हम कभी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हैं तो हमें इमेज को जो है पीडीएफ में मांगता है, फिर पीडीएफ फॉर्मेट में, तो हमें काफ़ी असुविधा होती है क्योंकि हमारे पास कोई प्रिंटर नहीं होता है, जिस वजह से हम अपने फ़ोटो को पीडीएफ में नहीं यूज कर पाते हैं, तो जिसकी वजह से हमारा फॉर्म फिलअप नहीं होता है और हमें मार्केट में जाना होता है किसी ऑनलाइन स्टोर से फॉर्म फिलअप करवाने के लिए। तो दोस्तों, हम घर पे बैठे ही अपने फ़ोटो को जो है पीडीएफ में कन्वर्ट करके अपना ऑनलाइन फॉर्म आसानी से फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस यहाँ पर एक लाल कलर की सब्सक्राइब बटन होगी वीडियो के नीचे, वहाँ पर आप क्लिक करके इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर हम रोज़ाना एक न्यू अपडेट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको इस चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे हम अपने फोटो को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, बिंदास सीखे यूट्यूब चैनल में मैं देव साहनी आप सभी को आज बताने वाला हूं कि आप किसी भी फोटो को कैसे पीडीएफ में कन्वर्ट करके आप अपने डॉक्यूमेंट के लिए उसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ये वीडियो मोबाइल पे देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे एक लाल कलर की सब्सक्राइब बटन होगी, उस पर क्लिक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी इस चैनल पे अपडेट करता रहूँ वो आप तक आसानी से पहुँच जाए। और अगर आप कंप्यूटर पर ये वीडियो देख रहे हैं तो भी वीडियो के नीचे एक लाल कलर की सब्सक्राइब बटन होगी, वहाँ पर क्लिक करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए आज बताते हैं आपको कि पीडीएफ फाइल में कैसे हम किसी फ़ोटो को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम आपको एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताएंगे जो कि काफ़ी यूजफुल है, मैं भी उसका यूज करता हूँ अपने डॉक्यूमेंट के लिए और पीडीएफ फाइल बनाने के लिए। और मैं किसी भी ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करता हूँ तो मुझे हर फाइल को पीडीएफ फाइल में मांगता है, और काफ़ी कम साइज़ में मांगता है, इसलिए काफ़ी बेस्ट ये ऐप्स है जिसकी मदद से आप अपने फ़ोटो को पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करके यूज कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा ऐप्स है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये मैंने ऐप्स इंस्टॉल किया हुआ है, JPG और PDF, ये इसका लोगो है। इसका इंटरफेस काफ़ी नॉर्मल है दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने इसे ओपन किया हुआ है। तो अब मैं बताता हूँ ये आपको मिलेगा कहाँ से। सबसे पहले दोस्तों, आपको जाना है अपने प्ले स्टोर में, यहाँ पे प्ले स्टोर ओपन कर लेंगे। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद सर्च बॉक्स में ऊपर गूगल सर्च लिखा होगा, उसमें जाकर आपको सर्च करना है JPG टू PDF। और फ्रेंड, जैसे ही हम यहाँ पे JPG टू PDF डालकर सर्च करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन ही JPG टू PDF कन्वर्टर का खुलेगा। इस तरह का लोगो आपको दिखेगा, JPG PDF, रेड बैकग्राउंड में वाइट कलर में लिखा होगा ये JPG टू PDF। इसको ओपन कर लेना आप, और इसको आप ओपन करने के बाद इसको इंस्टॉल कर लेना। मैंने ऑलरेडी इसे इंस्टॉल किया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी इसके अच्छे यूजर इंटरफेस होते हैं, तो आप इसको इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद आपको करना क्या है कि इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे फाइल चूज करने के लिए दिया है क्लिक टू क्रिएट ए PDF फाइल, जिस फाइल को आप PDF में कन्वर्ट करना चाहते हैं यहाँ पे चूज करने के लिए बीच में ऑप्शन दे रहा है। और यहाँ पर आप क्लिक करके आप जहाँ भी अपनी फाइल रखे होंगे तो गैलरी या फाइल ब्राउज करके आप जहाँ से भी लेना चाहते हैं, तो मैं गैलरी टू ले लेता हूँ। और यहाँ पे देखिए काफ़ी मैंने यहाँ पे इमेज रखे हुए हैं, तो यहाँ से मैं एक इमेज ले लेता हूँ कोई भी, और यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे ओके कर देना है, एक कोने में ओके की बटन होगी, वहाँ पर ओके करने के बाद ये देखिए आपकी फाइल सेलेक्ट हो चुकी है, और नीचे ऑप्शन दे रहा है ये ब्लैक कलर के बैकग्राउंड में क्रिएट PDF, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपसे नाम पूछेगा कि आप किस नाम से आप अपने फाइल को PDF में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं ABC दे देता हूं एग्जांपल के लिए। और ऐसा करते ही बस यहां पे आपको एक ऊपर
इस साइड कट का निशान होगा, इस साइड करेक्ट का निशान होगा, इसको आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करते ही ये आपकी फाइल देखेंगे पीडीएफ में कन्वर्ट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स अब इसको हम शो कर लेते हैं कि ये फाइल हमारी पीडीएफ में कैसी लग रही है। यहाँ पे आँख का बटन होगा, उस पर क्लिक करके आप इस फाइल को शो कर लेंगे। तो ये देखिए ये फ़ोटो जो था मेरा वो पीडीएफ में कन्वर्ट हो चुका है। और इसको हम जूम कर करके देख लेते हैं। देखिए फ़ोटो की क्वालिटी कुछ भी नहीं चेंज हुई है, एकदम फ़ोटो वही है और ये हमारा पीडीएफ में हो चुका है। अब इसे हम डॉक्यूमेंट के थ्रू इसे प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों कई बार हम ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसमें हमको इमेज को जो है पीडीएफ में मांगता है, तो हमें काफ़ी असुविधा होती है कि हम कैसे अपने इमेज या फ़ोटो को पीडीएफ में कन्वर्ट करके और उस डॉक्यूमेंट के लिए सबमिट करें, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे पास प्रिंटर तो होता नहीं है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, अपने आप फ़ोटो को जो है पीडीएफ में कन्वर्ट करके उस डॉक्यूमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। और इसमें आप काफ़ी कम साइज में जो है अपने फ़ोटो को जो है पीडीएफ में बदल सकते हैं। तो देख लेते हैं इसका रिव्यू क्या है क्या है। दिस इज सच सबसिट बुलसिट एप्स इज कैन कन्वर्ट जेपीजी टू पीडीएफ। फ्रेंड्स ये ऐप्स जो है काफ़ी बेस्ट ऐप्स है और आप इसका यूज करके अपने फ़ोटो को पीडीएफ में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं ऐसे ही आपको एंड्रॉयड से रिलेटेड अमेजिंग ऐप्स के बारे में बताता रहूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बिंदास सीखे चैनल को, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं इस चैनल पर कोई भी अपडेट दूं तो वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। देखिए ये बिंदा सीखे यूट्यूब चैनल है, इसके नीचे सब्सक्राइब बटन होगी, यहाँ पे आप उसे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।